गाजियाबाद में अपने प्रत्याशी के हक में मंत्री नरेंद्र कश्यप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मंत्री जी साथ में, मंत्री जी डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, क्या वो मिल रहा है, कुछ पब्लिक का आशीर्वाद मिल रहा है? यस, गाजियाबाद के नगर निगम में आज हम गाजियाबाद की सड़कों पर जनता जनार्दन के बीच अपील करने के लिए निकले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गाजियाबाद की हर गली में, हर सड़क में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग भारी मतदान करने के लिए आतुर हैं। जिस घर में भी जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान की बात करते हैं। मैंने अपने जीवन में नगर निगम के चुनाव में इतना बेहतरीन माहौल कभी नहीं देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का जनता का समर्थन है, सहयोग है, इस बार गाजियाबाद नगर निगम जीत की दृष्टि से एक नया इतिहास लिखने वाला है। और ये भी संभव है कि मेयर का चुनाव तो हम लाखों मतों के अंतर से जीतेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम गाजियाबाद के 100 के 100 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का ये पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लोकसभा की तरह क्लीन स्वीप करेगी। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में जिताओ जी, भाजपा को जिताओ, कामयाब होगी। भैया नमस्ते जी। भाई साहब, मंत्री जी आप ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी, अगर बात की जाए तो जिम्मेदारी आप पे बहुत बड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दमखम ज्यादा लगाने की आवश्यकता है आपको। ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत संगठन बनकर तैयार है। उत्तर प्रदेश के 52% से ज्यादा पिछड़े वर्गों के लोग लामबंद हो गए हैं योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, विकास के नाम पर। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव के अंदर लोगों से मिलना, अपील करना, मोर्चे अपने जिम्मेदारी को समझ रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी हम सभी निगमों को जीत रहे हैं, नगर पालिकाओं को जीत रहे हैं और अधिकांश नगर पंचायतों पर भी कमल खिलने वाला है। ये प्रदेश की जनता ने इसको निश्चित कर दिया। नमस्कार जी, भारतीय जनता पार्टी जितना बहन जी, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। देखिए मंत्री जी गलियों में हैं, द्वारे द्वारे जा रहे हैं और अपने कैंडिडेट के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता को पंपलेट दे रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि हम बड़ी मजबूती से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं और क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।